दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस टूटी फ्रूटी केक। इसको बनाने के लिए हमारे को चाहिए 1 कप मैदा, उतनी ही क्वांटिटी में शुगर, उतनी ही क्वांटिटी में दही। दही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये एगलेस है, अंडे के बदले हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप हमने लिया है इसमें ऑयल। ऑयल से केक बनाने में काफ़ी सॉफ्ट रहता है। उसके अलावा हमने वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए कि सॉल्ट डालने से बेकिंग पाउडर जो है और बेकिंग सोडा जो है अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अलावा क्योंकि टूटी फ्रूटी केक है तो हमने इसमें 1 छोटा कप टूटी फ्रूटी। सबसे पहले दोस्तों हम एक ग्राइंडर ले लेते हैं, जो शुगर है हमने इसका पाउडर बनाना है। हमने शुगर का पाउडर बना लिया है, अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसके अंदर हम ये जो हमने शुगर ग्राइंड किया था इसको डाल देते हैं सबको, और उसी के अंदर हम ये ऑयल भी डाल देते हैं। इसके बाद हम ये कर्ड लेते हैं दही, और उसको भी हम इसी में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। ऑयल, दही और शुगर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें हम अपना मैदा डालते हैं। मैदे के ऊपर हम एक चुटकी भर हमने बेकिंग सोडा लिया है, वो डाल देते हैं। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। छाने से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम एक स्मूथ सा बैटर बनाते हैं। अब हमने इसमें टूटी फ्रूटी मिक्स करना है। टूटी फ्रूटी मिक्स करने से पहले हम इसको थोड़ा सा मैदे से कोट कर देंगे, वो इसलिए ताकि ये टूटी फ्रूटी जो है वो केक में नीचे बिल्कुल सिंक ना हो जाए। इस तरीके से ये पूरे केक में अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, हल्का सा अगर हम मैदे को कोट करते हैं तो। अब हम ये बेकिंग टिन लेते हैं, इसको पूरी तरह से ऑयल से कोट कर देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज़ ये तरीका भी बहुत अच्छा है ताकि जब केक बन जाए तो प्रॉपरली बाहर आ जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं। ये ऑयल और जो है मैदा अच्छे से इसके अंदर कोट कर दिया है, अब ये जो बैटर है हम इसमें डाल देते हैं। टिन को हम एक दो बारी टैप कर लेते हैं ताकि जितने भी बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, वो ख़त्म हो जाए। हमने अवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब इस बैटर 25 मिनट्स के बाद हमने केक निकाला। अब ये देखिए कितना फ्लफी केक है, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा जैसे कि हमने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है।